हेलो अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो जी गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ कि मैं माँ सफदर के घर कैसे पहुँचा, मेरी ड्रीम कैसे कंप्लीट हुई कि मैं माँ सफदर के घर पहुँचाऊँ। लेकिन माँ सफदर से तो मैं मिल नहीं सका था क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की वजह से, उन्होंने पहले भी उन्होंने वीडियो में बताया था। तो आज तो मैंने माँ सफदर के घर पहुँचाऊँ और मैंने ब्लॉग बनाया। तो वैसे मैं उनको बताऊंगा भी नहीं कि उनका घर कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है। ये भी तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से उनका घर का नाम तो मैं बता नहीं सकता। तो अब जाके अब देखेंगे। तो सबसे पहले माँ सफदर की वीडियो सुने, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को माँ सफदर के घर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। तो मेरी ड्रीम भी कम्प्लीट हो चुकी, मैंने कहा बस मैं वीडियो देखता रहता था घर में, और माँ सफदर की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं आज तक मैं माँ सफदर की वीडियो देखता जा रहा हूँ। उसने शादी क्या 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 नाम है इसका, सिस्टोलॉजी की शादी पे भी उसने ब्लॉग बनाया था। तो अब सारी वीडियो मैंने माँ सफदर के देखी है। माँ सफदर जैसों के ब्लॉगर नहीं है, माँ सफदर जो बेस्ट ब्लॉगर है। और माँ सफदर की आप वीडियो देखें जाके, और उसकी घर का लोकेशन, वैसे मैंने उसके घर का लोकेशन भी नहीं बताया कि माँ सफदर का घर कितना दूर है, कितना नज़दीक है। तो माँ सफदर जैसा ब्लॉगर कोई नहीं है, तो मैंने माँ सफदर के घर की वीडियो भी बनाई है और उसमें मैंने अपनी बातें भी की हैं। और उनके मिलने से भी, हालांकि वो बाहर आ जाना था उसने, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की वजह से मैं उसे मिल नहीं सका। तो माँ सफदर आपने भी मेरी वीडियो को देखना है और मुझे कमेंट भी करना होगा। तो आज माँ सफदर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने माँ सफदर के घर में वीडियो बनाई है। तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई होगी। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। तो जी गाइस, अभी हम माँ सफदर के घर के बाहर खड़े हुए हैं और उनकी प्राइवेसी की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। जब बाहर आएगा तो हम इससे मिल लेंगे। तो जी गाइस, आप देख रहे हैं ये माँ सफदर के घर है। तो हम इसकी जो इसकी गाड़ी भी इसके पीछे खड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं, जूम जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप पीछे, इसके पीछे गाड़ी खड़ी हुई है जी। तो ये माँ सफदर का घर है और अगर माँ सफदर आया तो फिर हम इससे मिल लेंगे और उनके साथ हम मिलके ब्लॉग भी बना लेंगे। तो अब इनसे इंतज़ार करते हैं, जितना इंतज़ार हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं हो सकता तो ना हो सके। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हर एक बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो अगर वो नीचे आ गए तो फिर हम उससे मिलने के लिए जाएंगे।